हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत 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 ही स्वागत है मेरे और एक ब्लॉग में केरला सीरीज़ के। आज का दिन हम लोग पूरा स्पेंड करने वाले हैं बोट में, और मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग ने कैसे स्पेंड किया, क्या फैसिलिटी हमें मिला। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बोट के अंदर का पूरा इंटीरियर, वॉशरूम, बैल्कोनी, किचन एरिया, सब का मैंने एक अलग से ब्लॉग बना के अपलोड किया है। आप वहाँ से इसका पूरा देख सकते हैं। और आज इस ब्लॉग में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि हमने क्या क्या किया इसमें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का बोट अब स्टार्ट हो गया है। अभी बज रहा है दोपहर का 1। हर बोट 1 बजे ही स्टार्ट होता है, और ये नेक्स्ट दिन मॉर्निंग 9 तक आपका यहाँ स्टे करने का टाइमिंग रहता है। बेसिकली देखने जाए तो 24 आवर्स भी नहीं है, बट यहाँ का हर बोट का यही टाइमिंग है, आफ्टरनून 1 से नेक्स्ट दिन का 9 बजे तक। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर ही आ जाते हैं। जब बोट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हम लोग ये टेबल यहाँ से साइड कर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे हम लोग के साथ में और ये एरिया थोड़ा ओपन रहेगा तो यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम लोग म्यूज़िक प्ले करेंगे और हम लोग डांस करेंगे। डांस वांस तो चलता ही रहेगा। भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई और लंच टाइम भी हो गया, तो इन लोग ने हमें सर्व कर दिया है लंच। लंच में बुकिंग के टाइम में आपको ऑप्शन चूज़ कर लेना कि आपको वेज चाहिए या नॉन वेज। सैलेड दिया गया है, सांबर, मिक्स वेज, एक अंडे का भुर्जी भी था, और हम लोग को इस टाइम में फ़िश दिया गया है। यकीन मानिए इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था लंच करते हुए। बोट चल रहा और इतनी हवा आ रही थी, इतने मज़ा आ रहा था। लंच करने के बाद में तुरंत हम लोग ऊपर के सेक्शन में चले गए। शाम का वक्त हो चुका था, और जितना टाइम जा रहा था नज़ारा उतना ही खूबसूरत होते जा रहा था। हम लोग में से कोई नीचे नहीं वेट कर रहा था, सब लोग हम लोग ऊपर आ गए। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोशूट वगैरह किया। साइड्स में आप लोग जो बोट देख रहे हैं, ये बोट्स, कुछ बोट्स में सिंगल फैमिली है, कुछ में डबल फैमिली है, यहाँ तक कि एक बोट में 10 फैमिली तक ये लोग कैरी करते हैं। यहाँ पे दूर दूर तक आपको इसी पैटर्न का बोट दिखेगा, और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। साइड में जो आपको घर दिख रहा है, यहाँ पे लोगों के घर है, ये लोग स्टे करते हैं, और हर किसी का पर्सनल एक छोटा बोट रहता है। शाम का वक्त था, हम लोग को पकौड़ा और चाय सर्व किया गया। आप अगर चाहें तो किचन में जाकर खुद अपना मर्जी का कुछ बना के भी खा सकते हैं, इसका परमिशन है आपको, या फिर कुक को बोल के भी आप बनवा सकते हैं। आसपास में जितने घर दिख रहे थे बहुत ही खूबसूरत थे घर। यहाँ का आसपास में एक मार्केट भी है जहाँ पे ये बोट जाके रुकती है, और आप अगर चाहे तो वहाँ से उतर के आप कुछ मार्केटिंग भी कर सकते हैं। स्पेशली फ़िश के लिए वो मार्केट बहुत अच्छा से जाना जाता है। आप उतर के वहाँ से फ़िश खरीद के आप अपने कुक को देके बनवा भी सकते हैं। बारिश का थोड़ा टाइम था, हल्का का बारिश हो रहा था, तो हम लोग मार्केट में रुके नहीं। ये बोट 5 बजे उसी जगह आके रुक जाएगी जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर 8 बजे से वापस स्टार्ट होगी। शाम को बोट 5 बजे बंद होने के बाद में मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड थोड़ा यहाँ से फ्रिकआउट होके आए हैं, और हम लोग बस रूम में बच्चों लोग के साथ में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, गप्पे शप्पे किए, और देखते ही देखते रात के 9 बज गए हैं, और हल्का हल्का बाहर बारिश भी हो रहा था। डिनर का टाइम हो गया था, तो हमारे कुक ने डिनर भी हम लोग के लिए लगा दिया है यहाँ पे। तो हम लोग ने सोचा थोड़ा इनको हेल्प कर लें। हम लोग खाना में दिया गया था चिकन सैलेड, दाल, एक मिक्स वेजिटेबल, और खाना भी यकीन मानिए बहुत बहुत ही टेस्टी था। हम लोग सब ने बहुत ही इन्जॉय किया। खाना ख़त्म करने के बाद में हम लोग थोड़ा बैठ के गप्पे शप्पे किए, हम लोग ने चाय पिया, और ये चाय हम लोग ने बनाया क्योंकि कुक जो थे वो ऑलरेडी सो चुके थे। अब हम लोग जा रहे हैं सोने, मिलेंगे सुबह। मॉर्निंग में भी हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे, आप रूम का हालत देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना कमरा साफ़ किया, और उसके बाद में मैं गई ऊपर, क्योंकि 8 बज चुका था और बोट वापस से स्टार्ट हो चुका था, और यही एक लास्ट का 1 घंटा था हम लोग के पास में थोड़ा और इन्जॉय करने का। इसी दौरान हम लोग का ब्रेकफास्ट लगता है। ब्रेकफास्ट में हम लोग को दिया गया था डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, और कॉफ़ी या चाय जो आपको पसंद है। तो ब्रेकफास्ट करते हुए भी इस नज़ारे को हम लोग ने खूब इन्जॉय किया, और यहाँ होता है हमारा हाउस बोट का ट्रिप ख़त्म, और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब एक छोटा सा बोट आता है, हमें हाउस बोट से पिक करता है और हमें पोर्ट तक ड्रॉप कर देता है। मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ये हाउस बोट का ट्रिप बहुत ही शानदार रहा। आप भी आइए और इस हाउस बोट का मज़ा लीजिए। मिलूंगी बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।
ब्लॉग मेरा कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक टाटा बाय बाय।